ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया कि संत रामपाल मामले में आज फैसला आ सकता है और इसी फैसले को देखते हुए जबरदस्त सुरक्षा हिसार में है। ये मामला 2014 का, जब सकलोक आश्रम में एक बच्चे समेत 5 महिलाओं की हत्या का आरोप हिसार सेंट्रल जेल में ही कोर्ट बनाया गया है। सत्येंद्र चौहान इस वक्त मौजूद है और जानकारी के साथ। सत्येंद्र, जज पहुंच चुके हैं लेकिन जेल में ही सजा सुनाई जाएगी? देखिए, जिस तरीके से गुरमीत राम रहीम को सजा सुनाई गई थी, जेल के अंदर अस्थाई कोर्ट बनाई गई थी, तो ठीक उसी पैटर्न पर हिसार जेल के अंदर जो है एक कोर्ट बनाई गई है जिसके अंदर वकील और जज पहुंच चुके हैं। बहुत जल्द मामले की सुनवाई हो जाएगी, लेकिन इसके बावजूद सुरक्षा के कदम क्या उठाए गए हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं फिलहाल हम जेल के बाहर खड़े हुए हैं और इसी जेल के अंदर जो है रामपाल के सजा जो है रामपाल के ऊपर फैसला आएगा। 18 नवंबर 2014 को हाईकोर्ट के आदेश के बाद जब रामपाल को उसके सतलोक आश्रम से करौथा से बाहर निकाला गया था, तो उस दौरान 5 महिलाओं और एक बच्चे की मौत हुई थी, तो 2 FIR दर्ज हुई थी। 2 FIR में टोटल 28 लोगों को नामजद किया गया था। फैसले को लेकर कोई और नई जानकारी आएगी, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।